और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? पेपर हो गया था बढ़िया से, ठीक ठाक से? ओके, मैंने अनाउंसमेंट किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट वाला वीडियो है वो सभी बच्चों ने देखा नहीं, क्योंकि उस बैच में जो है हमारे पास उस टेस्ट में कितने थे, 1327 स्टूडेंट जो है वो जुड़े हुए थे, जिनकी संख्या अगर आज मैं देखूं कि जो टेस्ट हमने कल डाला है, 181 बच्चे अभी तक जो है हमारे पास बैच में जुड़े हुए हैं, जो जेन्युइनली मतलब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनका आईडी प्रूफ हमारे पास है, जिनकी फोटोग्राफ हमारे पास है, ऐसे 181 बच्चे जुड़े हैं। लेकिन टेस्ट जो है वो 124 बच्चों ने ही दिया है। ठीक है, तो आज इस टेस्ट के एनालिसिस हम लोग करेंगे। अगर इस टेस्ट का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो 124 स्टूडेंट्स में से आज हम लोग टॉप 25 को जो है वो देखेंगे कि टॉप 25 में कौन कौन है। मेरे पास जो है लिस्ट आपकी पड़ी हुई है। टॉप 25 में अगर हम फर्स्ट रैंक पे देखें तो फर्स्ट रैंक पे मेरे पास जो है वो 6 नाम हैं, जिसमें एक नाम मेरा भी है। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रायल में भी आपका जो टेस्ट है उसको एक नंबर ट्रायल में भी रखते हैं, तो मेरा मैं नहीं कंसीडर करती हूँ। तो 5 लोग जो है वो टॉप फर्स्ट रैंक में हैं। उनमें से नंबर 1 है मिस्टर जी आर ढाका, फतेहपुरा। सेकंड नंबर राजेश भादू, थर्ड राजेश कुमार गुप्ता, फोर्थ मुकेश दुखिया और फिफ्थ दीपक मेघवाल। ये लोग फर्स्ट रैंक पे हैं, जिनके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 हैं। ठीक है, इनके मार्क्स जो है 100 में से 100 हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप 5ों को श्री समृद्धि क्लास की तरफ से। आप लोग और ऐसे ही आगे बढ़िया करते रहिए। सेकंड रैंक पे 6 स्टूडेंट्स हैं, सुमन, मंजू, मधुमिता, मिलन भट्ट, कमलेश नायक और खुशियाला। ये 6 लोग हैं, ये सेकंड रैंक पे हैं। इनके मार्क्स हैं 97.3। ठीक है, 97.3 मार्क्स के साथ ये 6 स्टूडेंट्स सेकेंड रैंक पे हैं। थर्ड रैंक की बात करते हैं, अगेन 6 स्टूडेंट्स जो है वो थर्ड रैंक पे हैं। नीलेश शर्मा, राशिद अली, कविता विश्नोई, योगेश पाटीदार, रितु जांगीर और सरोज खाड्डा। ये क्या है, ये 6 स्टूडेंट्स जो है वो थर्ड रैंक पे हैं। इनके मार्क्स हैं 94.68। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मार्क्स में, पॉइंट पॉइंट्स का ही फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। फोर्थ रैंक पे है सतवीर, 92.02 मार्क्स के साथ। फिफ्थ रैंक पे 3 स्टूडेंट्स हैं, श्याम सिंह शेखावत, निर्मल जाकर और सुशीला। ये तीनों के मार्क्स 89.36 हैं। सिक्स रैंक पे सुरेश हैं विथ 78.72 मार्क्स। सेवेंथ रैंक पे गोकुल चौधरी, 76.72 मार्क्स। एथ रैंक पे जयप्रकाश, 75.34 मार्क्स। नाइन्थ रैंक पे है पवन, नाइन्थ रैंक पे मिस्टर पवन है 71.4 मार्क्स। टेंथ पे एकता अग्रवाल, 70.74 मार्क्स। इलेवेंथ पे अरविंद, 64.74 मार्क्स। केदारमल शर्मा है आपके ट्वेल्थ रैंक पे, 62.06 मार्क्स। सुमेर चौधरी 13th रैंक पे हैं, 60.04 मार्क्स। विक्रम सिंह 14th रैंक पे हैं, 59.42 मार्क्स। मदन है 15th रैंक पे, 58.72 मार्क्स। पवन स्वामी 58.7, अगेन 16 रैंक। कमलेश शर्मा 17th रैंक, 57.44। अनिल शरण 18th रैंक, 57.38। मदन चौधरी 55.4 मार्क्स के साथ 19th रैंक पे हैं। 20th रैंक पे 2 लोग हैं, उमंग चौधरी और लोकेश पाटीदार विथ 54.78 मार्क्स। 21 रैंक पे जो है शकुंतला हैं, 52.78 मार्क्स। नंद किशोर शर्मा 22nd रैंक पे हैं, 52.76 मार्क्स। दिव्यांशु जैन है 52.12 पे विथ 23rd रैंक। वेद प्रकाश है 50.78 मार्क्स के साथ 24th रैंक। दिलीप तिवारी हैं 50.74
76 मार्क्स के साथ 25th रैंक। अब 25th के बाद दो लोग हैं, रोशन मिश्रा 50.74 26th रैंक, उसके बाद बालकिशन सिंह 50.12 मार्क्स के साथ 27th रैंक। ये टॉप अगर हम स्कोरर की बात करें तो 50 से लेकर के 100 के बीच में ये स्कोरर्स हैं जिनकी रैंकिंग 27 तक आई है। इसके अलावा जितने लोग भी हैं, रेस्ट जितने भी हैं बिलो 50 मार्क्स जो है वो सारे के सारे ई और एफ कैटेगरी में हैं। तो रेस्ट जितने भी हैं ये लोग जो है वो ई और एफ में हैं। और एक स्टूडेंट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पहले के पेपर में जो है मैंने जो आपको डिस्कस किया था लास्ट पेपर, उस पेपर के अंदर 1327 बच्चों में से मात्र 285 बच्चे ही अबव जीरो थे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी जितने लोगों ने भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया उसमें माइनस में जो है केवल केवल और केवल एक ही नाम है। ठीक है, तो होप आप लोग इस पेपर को समझ गए होंगे कि कैसे करना है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। मैं ये चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने एनालिसिस किया था और मैंने देखा था कि टॉप स्कोरर्स जो पीछे से आ रहे हैं आपके बैक पेपर्स में जितने थे, कहीं ना कहीं रिपीट होकर के वो वन बाय वन कुछ ऐसे ही टाइमिंग्स, कुछ ऐसे ही मार्क्स जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा था। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि टेस्ट सेट नंबर जो 5 है, टेस्ट सेट 5 में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके ऑप्शंस हमारी तरफ से गलत दिए गए थे। 10 क्वेश्चन के ऑप्शंस हमारे साइड से जो है वो गलत दिए गए थे। उन ऑप्शंस को भी उसी तरीके से जो ऑप्शन हमने सही माना है गलत को, उसी को सामने वाले भी गलत को अगर सही मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे और भी ज्यादा कंफर्म हो गई कि ये ऑनेस्टी के साथ टेस्ट नहीं हो रहा है, ये टेस्ट सीरीज के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो 10 क्वेश्चन गलत है, 10 के ऑप्शन ही गलत है, तो जो मार्क्स होने चाहिए थे वो 40 से नीचे के होने चाहिए, यानी कि 80 तक मार्क्स जाने चाहिए थे, उसके आगे तो जाने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन उस गलत ऑप्शन के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया और जो गलत आंसर हमने माना है वो ही आंसर अटेम्प्ट किया, और 100 में से 100 गलत क्वेश्चन के भी ला रहे हैं। साफ साफ दिखता है कि यहाँ पे चीटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरा ये भी एनालिसिस किया हमने कि इतने सारे बच्चे माइनस में जा रहे हैं, यानी कि टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर लिया, टाइम को स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसको वो करना नहीं चाह रहे हैं, उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो माइनस में जब जा रहे हैं, जितने बच्चे माइनस में जा रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है एनालिसिस के दौरान मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं पूर्णतः सही भी नहीं हो सकती हूँ, लेकिन इतने सारे 1300 बच्चों में से सिर्फ 300 बच्चों का जो है वो अबव जीरो होना, बाकी 1000 का माइनस होना, ये मेरे ख्याल से अचूकता नहीं हो सकती कि आप टेस्ट देने से चूक जाएं, तरीका नहीं पता हो, आपको कॉल आ जाए उस समय, या टेस्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाए। 1000 बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है, 1000 बच्चों के साथ ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये क्या है कि टेस्ट करना तो है, ज्वाइन तो किया, एक पैटर्न पे तो आए, एक नई चीज दिखी, उसको मतलब उससे जुड़े तो सही, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया, बस ऐसे ही चलता हुआ उसको छोड़ दिया। तो इन सब से बचने के लिए हमने ये नया स्टेप लिया था, एंड मुझे खुशी है, बहुत अच्छा लगा कि जिन्होंने भी ज्वाइन किया उन्होंने ऑनेस्टी के साथ इस पेपर को किया है और मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। इनफैक्ट अभी तक के जो 6 सेट हो चुके हैं, 6 सेट में सबसे बेस्ट जो रिजल्ट रहा है वो इस पर्टिकुलर सेट का रहा हुआ है। पेपर हालांकि हमने मिक्स दिया था, कंप्यूटर के और लाइब्रेरी के काफी मिक्स क्वेश्चंस डाले थे, लेकिन सभी को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से थ्रू करके जो है वो निकले हुए हैं। तो इसी तरीके से आगे आप करते चलिए, पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। और एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे क्वेश्चन के ऑप्शंस कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं, आप अगर क्वेश्चन के आंसर कुछ और लिख रहे हो, हमने किसी और को कुछ सही मान रखा है, आपके पास सोर्स कुछ और के सही आ रहे हैं, तो आप उस पर खुद एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करके जो भी आपके सोर्सेज हैं उन सोर्सेज के थ्रू जो है उसको तैयार करने की कोशिश कीजिए कि क्या इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, जो भी सोर्स हैं, सोर्स का मतलब ये है कि आपके पास किताबें हैं,
आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप किसी से पढ़ रहे हैं तो कोई टीचर आपसे कांटेक्ट में है जिससे आप ये क्लियर कर सकते हैं, तो आप उनसे क्लियर कीजिए, आप अपनी किताबों से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। लेकिन उसमें आप जरा सा भी मन में ये चीज मत लाइए कि किस तरीके का टेस्ट करा रहे हैं, इसमें ये ऑप्शन रॉन्ग है। टेस्ट अपन करा रहे हैं, हमारे पास भी जो क्वेश्चंस हैं, जो ऑप्शंस हैं, हम उसी को प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से हम ऑप्शंस नहीं डालते हैं। हमारी तरफ से हमने सेट 5 में जो है वो 10 ऑप्शंस रॉन्ग डाले थे, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि ये जो डुप्लीकेसी हो रही है, ये जो टेस्ट सीरीज के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये किस हद तक है। एंड ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट, नतीजा हमें नजर आया, नतीजे के बाद ही हमने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी वापस चेंज की। स्ट्रैटेजी के बाद जो टेस्ट लिया है, देख लीजिए, आप लोगों के सामने है, जो बच्चे जुड़े हैं वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन रिजल्ट आया है। तो इस वजह से हमने किया। अब आप लोग किताबें पढ़ते हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक्स लेकर के उससे अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन में जो है वो अटकते हैं तो आप थोड़ी ना किसी पब्लिकेशन वाले को फोन करते हैं, नहीं ना, मिलने जाते हैं क्या, उनके सामने रखते हैं क्या कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, या उस ऑथर के पास थोड़ी ना आप दौड़ के चले जाते हैं कि हाँ ये इसको ऑप्शन रॉन्ग है। आप खुद से उनमें खोजने की कोशिश करते हैं, तो आप वैसे ही हमें भी समझिए ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, आप मुझे फोन कर करके आप बोले जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, तो ऐसा ना कीजिए। सुनने के लिए हम तभी तत्पर होंगे जब हमारी साइड से गलती होगी। इंटेंशनली चला के 10 क्वेश्चन के ऑप्शन रॉन्ग डाले थे ये हमें पता था, वो सारे फोन कॉल्स हमने सुने हैं, हमने किसी को भी पलट करके कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है देख लेंगे, ठीक है देख लेंगे, ठीक है देख लेंगे, हमने यही कहा है। लेकिन अब आगे से जो है जैसा हमारे पास क्वेश्चन आएगा हम वैसा ही आपके पास करेंगे। एक दो क्वेश्चन अगर इधर उधर होते हैं, कुछ होता है, तो वो आप अपने लेवल पे डिस्कस करके जो है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है। बाकी कोशिश रहेगी कि हम उस पर कुछ डिस्कशन का भी कुछ अरेंजमेंट करें, धीरे धीरे करके काम जो है वो जारी है, बस आप लोग ऐसे ही साथ देते रहिए। आगे पता ही है आपको, आगे अगर चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमें पहुंचना ही है ना। एक शेर याद आ गया, सुनाती हूँ आपको, स्कूल टाइम में काफी यूज किया करते हैं हम लोग करते थे। प्यासे जो चल पड़े हैं, प्यासे जो चल पड़े हैं, दरियाए दिल मिल ही जाएगा। अगर हम प्यासे हैं और प्यासे अगर हम किसी काम के लिए निकल चुके हैं, प्यास हमें लगी है, तो कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था जो है हम कर ही लेंगे या व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। प्यासे जो चल पड़े हैं, दरियाए दिल मिल ही जाएगा। एक ही बात ध्यान रखना, बस लगन में मगन की अगन होनी चाहिए, ठीक है। आपके लगन में इतनी मगनता होनी चाहिए कि मगनता जो है आपकी अगनता में परिवर्तित हो जाए। आप कितने भी प्यासे हैं, पानी आपको मिलेगा या पानी की प्राप्ति आप करेंगे। तो प्यासे जो चल पड़े हैं, दरियाए दिल मिल ही जाएगा, बस लगन में मगन की अगन होनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ध्यान रखिए आप लोग अपना, प्रैक्टिस कीजिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आगे चल के कोशिश करेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी आप तक हम पहुंचाएं। धीरे धीरे काम होता है, धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज चल रहा है, हम भी कंफर्टेबल हो रहे हैं, आप भी कंफर्ट जोन में आइए, और ऐसे ही जो है हमें अप्रिशिएट करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को हमेशा सब्सक्रिप्शन डाल करके रखिए, बेल आइकन को हमेशा प्रेस करके रखिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, दैट्स वाई 1327 बच्चे पहले टेस्ट में जुड़े थे और दूसरे टेस्ट में 4 दिन का समय था, लेकिन 4 दिन में भी 181 बच्चे जुड़ पाए। इसका मतलब यही है कि YouTube की वीडियो जो है वो रेगुलरली लोग नहीं देखते हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोगों के साथ जो बच्चे टेस्ट में जुड़े हुए हैं उनको भी सजेस्ट किया कीजिए कि वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि इन्फॉर्मेशन क्या हो पूरी जाए, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग, ओके, ऑल द बेस्ट।